गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये वाला पार्ट आपका आपको समझा दिया था। पार्ट आपका अर्थशास्त्र का पार्ट दो है ये, इसको मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक समझा दिया था, इसके मेन मेन पॉइंट। अब आपके पेज नंबर 35 पे इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं, बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति है, सही विकल्प और रिक्त स्थान की पूर्ति इसमें करना है सही विकल्प से। तो पहले है सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि, तो इसमें आएगा खाली स्थान में नहीं हुई है। दूसरा है ख, खालिस्तान क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, इसमें आएगा तृतीयक। और तीसरा है खालिस्तान क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, इसमें आएगा संगठित। और चौथे में आएगा आपको, चौथे में दो ऑप्शन दिए हैं, पहले में आएगा प्राकृतिक और दूसरे में आएगा विनिर्मित। पहले कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। तो उसके बाद पांचवा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां परस्पर निर्भर हैं, इसमें आएगा परस्पर निर्भर। तो आप इतना लिखो। उसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, इसमें आएगा सही विकल्प में उद्यमों के स्वामित्व। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पाद, इसमें आएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। प्राकृतिक का आपने आपको बताया था मैंने, जितनी प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। उसके बाद है किसी वर्ष में उत्पादित, इसमें दूसरा आएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं कुल मूल्य को स घ उ कहते हैं, इसमें आएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। उसके बाद अगला है स घ उ के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% के बीच प्रतिशत है, इसमें आएगा 50 से 60%। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मेल कीजिए, इसको जोड़ी मिलाना है। तो पहले में आएगा अनसिंचित भूमि सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, और दूसरा है फसलों का कम मूल्य, इसमें आएगा सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। बाद कर्ज भार में आएगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। उसके बाद मंदी काल में रोजगार का अभाव, इसका होगा कृषि आधारित मिलों की स्थापना। और उसके बाद कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था, इसमें आएगा सहकारी विपणन समितियाँ। उसके बाद चौथा प्रश्न, विषम की पहचान करें और बताइए क्यों। तो इसमें पहला है पर्यटन निर्देशक धोबी दर्जी कुम्हार। तो पर्यटक निर्देशक धोबी दर्जी कुम्हार में पर्यटक निर्देशक ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक डॉक्टर सब्जी विक्रेता वकील, तो इसमें जो सब्जी विक्रेता प्राथमिक सेक्टर में काम करता है और जबकि अन्य जो हैं वो तृतीयक सेक्टर में काम करते हैं। उसके बाद है डाकिया मोची सैनिक पुलिस कांस्टेबल, तो इसमें मोची द्वितीयक सेक्टर में काम करता है जबकि अन्य तृतीय सेक्टर में काम करते हैं। MTLL भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसमें जो एयर इंडिया है वो प्राइवेट सेक्टर
सहारा एयरलाइंस प्राइवेट सेक्टर में है जबकि अन्य पब्लिक सेक्टर में है, तो ये आप कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न पांचवा, एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आंकड़े जुटाए हैं। ये आप आंकड़े आपकी बुक में दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो ये तालिका है, जो ये बना हुआ है, उसको पूरा करना है। एक शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का प्रतिशतता क्या है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसमें से देखकर कंप्लीट करेंगे। दूसरे वाले में आएगा, इसमें संगठित इसमें 15, असंगठित में 20 और असंगठित में सबसे नीचे वाले में आएगा 50। तो असंगठित क्षेत्र में पूरे 70% श्रमिक काम करते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न दूसरा छठा है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, व्याख्या कीजिए कि कैसे। तो इसका उत्तर है, आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की कई दृष्टियों से उपयोगी है। इससे अर्थशास्त्रियों को किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और अवसरों को समझने में मदद मिलती है। इससे मिली सूचना के आधार पर सरकार समाज कल्याण के कार्यक्रम बना सकती है और सुधारों को लागू कर सकती है ताकि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो और रोजगार के नए अवसर तैयार हों। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है, चर्चा करें। तो इसमें GDP से अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर मिलती है और विभिन्न क्षेत्रों का योगदान समझ में आता है। नीति निर्धारक के लिए GDP एक तुरंत समझ में आने वाला रेफरेंस प्रदान करता है, इसलिए GDP का अपना महत्व है। रोजगार के अवसरों से किसी भी अर्थव्यवस्था की सही सेहत का पता चलता है, इसलिए रोजगार के आंकड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद प्रश्न है, इसमें प्रश्न आठवां, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए, उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, अपने चयन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, इसमें आपको मैंने समझाते समय बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में किसान, दूध वाला, मछली वाला आदि आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री में काम करने वाला इंजीनियर और फोरमैन, ये सब आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, शिक्षक, डॉक्टर आदि जो सेवाएं हमको देते हैं वो सभी आते हैं। तो ये तृतीयक क्षेत्र की सूची है। अब अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो तृतीयक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, दो कॉलम बनाएंगे अपनी कॉपी में। किसी भी तृतीयक क्षेत्र में पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है, भौतिक वस्तु का निर्माण होता है अन्य सेक्टर में, मतलब किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है। आपको मैंने बताया था कि केवल इसमें सेवाएं आती हैं, जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये सभी, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तृतीयक क्षेत्र में। और अन्य सेक्टर में क्या होता है, जब चीज़ें बनती है तो मशीन की ज़रूरत पड़ती है। इस सेक्टर में श्रमिकों के मानसिक क्षमता की अधिक ज़रूरत पड़ती है, मतलब श्रमिक जो काम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सभी की मानसिक क्षमता मतलब मेंटल के ऊपर डिपेंड करता है ये। इस क्षेत्र में श्रमिकों की शारीरिक परिश्रम की अधिक ज़रूरत पड़ती है, उदाहरण के लिए डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील आदि ये होते हैं। और अन्य सेक्टर में उदाहरण के लिए मिस्त्री, बढ़ई, ये सभी आदि आते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।
अब अगला प्रश्न 10वां है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है, जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति को प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। मतलब काम तो करता है लेकिन उस और ज़्यादा काम कर सकता है लेकिन उसका उपयोग वो वहाँ नहीं कर सकता तो उसको प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ भी नहीं होता है। इस स्थिति में श्रमिक के पास कोई विकल्प नहीं होता बल्कि किसी खास काम को करने की मजबूरी होती है। गांव में ऐसा अवसर देखने को मिलता है कि जिस खेत पर काम करने के लिए एक दो लोग काफ़ी होते हैं उसी खेत पर कई लोग काम करते हैं। अतिरिक्त लोग उस खेत पर इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। यह छिपी हुई बेरोजगारी का एक जीवंत उदाहरण है। शहरी क्षेत्रों में किसी दुकान पर आप कई भाई काम करते मिल जाएंगे, उनको अलग अलग दुकान चलाना चाहिए लेकिन सही अवसर के अभाव में उन्हें एक ही दुकान पर काम करने का के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तो इसका उत्तर है, जब किसी आदमी के पास कोई काम नहीं होता है तो उससे बेरोजगारी कहते हैं। अब जब कोई आदमी काम तो कर रहा होता है लेकिन अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाता है तो इसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन जब किसी आदमी को काम बिल्कुल भी नहीं मिलता तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, ये आपकी बुक में 12वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो यह कथन आंशिक रूप से सही है। जबकि हम 1973 से 2000 तक तृतीय सेक्टर की वृद्धि को देखते हैं तो कह सकते हैं कि इस सेक्टर में वृद्धि हुई है। 2003 के जीडीपी में तृतीय सेक्टर का हिस्सेदारी सबसे अधिक है जो इस सेक्टर के अच्छे पहलू को दिखाता है। लेकिन जब हम रोजगार के अवसरों के आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि तृतीय सेक्टर ने रोजगार के उतने अवसर नहीं बनाए जो जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी से मैच कर पाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोजगार मुहैया कराने के मामले में तृतीय सेक्टर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो इस तरह से आपका ये 12वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में आपको इतना ही मैं क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर भेजूँगी। आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, शायद 15 सितंबर से परीक्षा स्टार्ट हो जाए तो आपके ये जितने चैप्टर करवाया है वो पूरे आएंगे। आप इसकी तैयारी करें।